दोस्तों नमस्कार। हाल है आज 7 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसालों में लाल मिर्च की तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आंध्र प्रदेश की भी खबर आप तक लेके आएंगे, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय अष्टमणि गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य की भी करते हैं सटीक आकलन। मसालों में लाल मिर्च का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और पूरे देश में इसकी खपत समान रूप से लोकप्रिय और इस्तेमाल इसका देखा जाता है। सबसे पहले आज हम आपको देश के विभिन्न हिस्सों में लाल मिर्च के दामों पर आज के ताज़ा भाव आप तक लेके आएंगे और उसके बाद में फिर कितनी आवक और कहाँ पे क्या व्यवस्था बैठी है उसके ऊपर करेंगे विस्तृत चर्चा। तेलंगाना के वारंगल से लाल मिर्च के दाम निकल के आ रहे हैं। तेजा क्वालिटी के दाम 155 से 175, 341 नंबर 130 से 150 और वंडर हॉट 135 से 155 है। 255-31 के भाव 100 रुपये से 120 रुपये और अग्नि क्वालिटी 110 से 125 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना के खम्मम के अंदर लाल मिर्च के दाम तेजा क्वालिटी 175 से 185, फटकी 95 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें गुंटूर जो कि प्रमुख मंडी आंध्र प्रदेश की लाल मिर्च के लिए मानी जाती है, वहां पर लाल मिर्च के भाव 334 नंबर S10 140 से 160, तेजा 140 से 185, सिनेजेटा 110 से 135 और 273 नंबर 110 से 130 रुपये के भाव है। इंडो नंबर 5 120 से 160 और 341 नंबर 120 से 160 रुपये के भाव हैं। तेजा डीलक्स के भाव 185 और 2043 नंबर के भाव 100 से 135 रुपये हैं। बंगाराम 120 से 150 है। साथ साथ क्लासिक क्वालिटी लाल मिर्च के दाम 110 से 120 रुपये के बताए जा रहे हैं। दोस्तों लाल मिर्च के दाम भारत के प्रमुख बाजारों में अधिकतर बाजारों में स्थिर बताए जा रहे हैं। सभी बाजारों में मिर्च की कीमतें ज़्यादातर स्थिर बताई जा रही है। वारंगल में 341 किस्म की कीमतों में 15 रुपये की मामूली गिरावट थी, जबकि पिछले 2 से 3 दिन लगातार तेज गिरावट के बाद वंडर हॉट की कीमतों में 13 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमतें बढ़ने के भी समाचार हैं। खम्मम और गुंटूर बाजारों में ज़्यादातर स्थिर की ही बात की जा रही है। गौरतलब है कि खम्मम में तेजा की कीमतों में 5 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी भी देखी गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले लगभग 2 से 3 सप्ताह में लाल मिर्च की कीमत एक सीमित दायरों में कारोबार करने के समाचार मिल रहे हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक और कम निर्यात पूछताछ के बावजूद रकमें में अनिश्चितता के कारण कीमतें मजबूत बताई जा रही हैं। आज दोस्तों जो अराइवल बताई जा रही है वो लगभग 1 लाख बैग की बताई जा रही है, जो पिछले सत्र के समान ही है कोई विदाउट कोई परिवर्तन के। गुंटूर में पिछले सत्र में 5,000 बैग की बढ़ोतरी के साथ 90,000 बैग की आवक देखी गई, जबकि खम्मम में 9,000 बैग आए, जबकि वारंगल में 4,000 और दोनों केंद्रों पर सामान्य तौर से 6,000 बैग की कमी की बात की जा रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सावन के महीने के में मौजूदा डिमांड लाल मिर्च की अक्सर गिरावट मानी जाती है, क्योंकि डिमांड सीमित हो जाती है। और इसके अतिरिक्त मिर्च का प्रमुख आयातक देशों में बांग्लादेश में अशांति के कारण भी मामूली फर्क बढ़ सकता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि लाल मिर्च का आगामी यानी अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसके ऊपर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मसालों में जीरे के ऊपर हमने आपको एक अपडेट दिया था कि जब जीरे के दाम निचले स्तर पर किसी ने खरीदने की बात नहीं की थी और जीरे में लगभग 1.5 से 2 गुना पैदावार की बात कही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि निचले स्तरों पर जीरा खरीदना चाहिए। और जब उसके बाद जब जीरे के भाव 30,000 से ऊपर गए, उस वक्त हमने कहा था कि जीरे के भाव अब आ चुके हैं, इसमें आप बिकवाली करनी चाहिए। उसके बाद जीरे में लगातार गिरावट देखी गई। साथ साथ आप लाल मिर्च के अतिरिक्त काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी के ऊपर भी हमारे अनुमान सटीक साबित हुए। मेथी के ऊपर आप देखिए पिछले महीने अच्छी तेजी देखी गई, कलौंजी के अंदर भी एक तरफा तेजी के देखी गई। इसके अलावा आपको जो भी अनुमान विश्लेषण दिए थे वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से किसी भी व्यापारी को फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है कि जब आप निचले भाव पे माल खरीदें और उसके बाद शांति से उसको माल को रखें।
अब सवाल ये होता है कि माल कब खरीदना चाहिए और कब निकाल देना चाहिए, ये एक विशेष विश्लेषण और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करते हैं। स्पाइसेस के अंदर इसमें कंप्लीट जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी के अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, जायफल, अखरोट, राई, सुपारी, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त तिलहन, दलहन, मसाला और कपास, इनका भी विशेष रिसर्च रिपोर्ट है, उपलब्ध है, आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारा एक विशेष पेशकश साप्ताहिक अखबार, जिसमें देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें आपको अपडेट होती है, साथ साथ प्रत्येक दिन यानी डेली आपको मंडी के ताज़ा भाव आपको व्हाट्सएप पर लगातार अपडेट होते हैं। तो दोस्तों पसंद आपकी सर्विस हमारी, आज ही संपर्क करें, अभी संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेड।